नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी प्रिय दर्शकों का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के सूर्य राशि परिवर्तन स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका महत्वपूर्ण समय जो आप इस कार्यक्रम को दे रहे हैं, उसमें कोशिश करूंगा कि एक एक सेकंड को आपके काम की बात बताकर ही पूरा करूं। सूर्य आत्मविश्वास के कारक रहे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा शानदार है तो आपका सूर्य कुंडली में अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस कमजोर है, हमेशा आपको बाद में याद आता है मैं ये सवाल करता, ये जवाब देता तो ज्यादा बेहतर रहता। आप दौड़ भाग बहुत शानदार कर सकते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, परंतु गर्दन, कंधा, पीठ, पैरों में तकलीफ, हड्डियों में तकलीफ, आंखों में तकलीफ, बालों का झड़ना, कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी, दैट मीन्स आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। ख्याल रखें, अगर आपके पिता से बहुत अच्छी बनती है और पिता की सलाह से आप चलते हैं और पिता का सम्मान करते हैं, कुंडली में सूर्य मजबूत है। पिता से हमेशा मनभेद और मतभेद रहते हैं, पिता को कोई कष्ट है, दैट मीन्स आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। आप लोगों को जानकर थोड़ी सी हैरानी भी हो सकती है कि सूर्य ट्रैवल करते करते अब अपने पुत्र शनि के घर में शरण लेने जा रहे हैं और आगे भी 13 जनवरी के बाद भी शनि के ही घर में रहेंगे, क्योंकि 14 जनवरी 2020 की रात और 15 जनवरी की सुबह 2:06 को ये मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वहां 13 फरवरी 2020 को दोपहर 3:02 तक रहेंगे। अब देखिए, पिता अपने पुत्र के घर में बोरिया बिस्तर लेकर कुछ दिनों के लिए, महीने भर के लिए जा रहे हैं। अब वहां पर पुत्र उनका सम्मान करेगा नहीं करेगा, आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, कहीं बागवान पिक्चर वाली स्टोरी तो नहीं हो जाएगी कि पिता सिर्फ इसलिए लेकर आए पिता को क्योंकि माँ बाप दोनों कहाँ रहेंगे, इसलिए दोनों को सेपरेट उस मूवी में कर दिया गया था। तो यहाँ कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं बनने वाली है। आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा? और वहीं तकरीबन 10,635 दिनों के बाद शनि भी अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं 24 तारीख को, तो यहाँ पर सूर्य और शनि, पिता और पुत्र दोनों साथ में रहने वाले हैं। तो ये जुगलबंदी आपकी राशि पर क्या असर डालेगी, इसलिए आप इसको सिलसिलेवार तरीके से जरूर देखिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ और डेट्स हैं, कुछ जानकारी हैं जो आपको स्ट्रिप में पैगाम में दिख रही, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को सिलसिलेवार तरीके से, मेष और मीन राशि तक के सफर को। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सूर्य आपकी कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में विराजित है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5th हाउस पढ़ाई का है और 10th हाउस हमारे कर्म का है, यानी आप अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस दौरान इंटरव्यू है, इस दौरान कोई इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई होने वाली, इंपॉर्टेंट कोई काम करने वाले हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान आपके कार्यों में सफलता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो आपको उच्च पद के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए बात अपने बॉस से कर लेनी चाहिए। थोड़ा हेजिटेशन, अननोन, फियर, ये सब जरूर होगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराएं। अपनी काबिलियत, पिता की सलाह, मां का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा आपको सफलता जरूर दिलाएगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने के मार्ग खुलेंगे और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने के कारण आप बहुत मेहनत कर पाएंगे। यानी अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, इस दौरान आपको अपने दोस्तों, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से सम्मानित करने का मौका भी मिल सकता है। थोड़ा सा मोरल बार बार डाउन होगा, अननोन, फियर, खुद पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने जो शिक्षा अर्जित की है उसका प्रयोग आप कर पाएंगे और कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। आपकी संतान के सहयोग से या संतान को आपसे सहयोग मिलने से, संतान की प्रगति से आपको बहुत खुशी मिलेगी। वृषभ राशि, सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस से विराजित है। इस दौरान आपके पिताजी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पिता के साथ मनभेद और मतभेद देखे जा सकते हैं। आमतौर पर अगर 10 लोगों पर हम बात करें तो 8 या 9 लोगों की पिता से नहीं बनती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार ये बात करता हूं कि ऐसा मेरा मानना है, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जरूर बताता हूं। घर के बाहर एक बहुत शानदार पेड़ लगा हुआ है, उसको आप उगाड़ के अपने ऑफिस के बाहर लगाना चाहते हैं तो वो पेड़ मर सकता है, लेकिन पौधे को आप ले जाकर न्यूजीलैंड में लगा सकते हैं, यानी दूर दराज भी जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने पिता को बदलने की बिल्कुल कोशिश न करें। हम बच्चे हैं, हमें बदलना चाहिए। आज पिता हैं आपके, लेकिन कल हो सकता है वो ना रहे। कल मतलब कल की ही बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले दौर, जैसे आज मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मेरे भीतर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार हम अपने पिता से जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, बहुत सारी गाली गलौज। पिता का स्वभाव हो सकता है कठोर हो, लेकिन हमें कठोर नहीं बनना चाहिए। इस दौरान आपकी आमदनी में
किसी प्रकार की हल्की सी कमी आ सकती है, लेकिन ये कमी कोई बहुत बड़ी हताशा और निराशा का इशारा नहीं कर रही है। इस दौरान समाज में आपकी स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक होने वाली है। इस अवधि में आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपका मन बहुत शानदार लगने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा या कोई शुभ कार्य करने वाले इस दौरान आपकी नौकरी में ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। जो लोग नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, कोई स्पेशल पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। आप अपने प्रयासों में तेजी ला सकते हैं। मिथुन राशि, सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर एट्थ हाउस में रहेंगे। इस दौरान आपके पुराने राज खुलकर सामने आ सकते हैं। आपने कोई झूठ बोला है, कोई गलत काम किया है, कोई ऐसा काम किया है तो आपको अंदर ही अंदर वो परेशान करने का काम करेगा। इधर मकर राशि में ही शनि भी जाने वाले हैं 24 तारीख को, तो ये एक टाइम ऐसा रहेगा जिस टाइम थोड़ा सा भूचाल आ सकता है, तो आप ख्याल रखिएगा। यदि पूर्व में आपने कोई विधि के विरुद्ध कार्य किया है तो आपको शासन द्वारा दंडित किया जा सकता है। आपका अपने शत्रुओं से झगड़ा हो सकता है तथा सर्दी जुकाम या कोई बीमारी आपको लग सकती है, आप अपना ख्याल रखें। जीवन साथी से रिश्तों में तनाव बिल्कुल भी ना दें। प्यार इश्क और मोहब्बत में एक दूसरे की निंदा बिल्कुल भी ना करें, वरना तकलीफ आ सकती है। लेकिन जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी की पढ़ाई करने से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को परिणाम शुभ मिलेंगे। किसी गुप्त विद्या को सीखने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें, समझो हो ही गया। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, इस दौरान आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए करनी चाहिए। किसी षड्यंत्र की सुखबुगाहट मुझे आ रही है, अपना ख्याल रखिएगा। कर्क राशि, सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर सेवंथ हाउस से विराजित रहेंगे। इस दौरान आपके मैरिटल लाइफ में हल्की सी परेशानी आ सकती है। आप पत्नी हैं तो पति का स्वास्थ्य या पति के ऑफिस में तकलीफ, आप खुद पति हैं तो पत्नी की सेहत या पत्नी के किसी और प्रकार से कोई तकलीफ आ सकती है, ख्याल रखिएगा। आपके जीवन साथी को लेकर, जीवन संगिनी को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। इस दौरान आपको धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पैसा टिकेगा भी नहीं और पैसे की वजह से काम भी नहीं रुकेगा। अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है और परिवार वालों और मित्रों के साथ मनभेद और मतभेद की किसी भी स्थिति में एंट्री नहीं होनी चाहिए। विभिन्न कार्यों में असफलता मिलने से आपका मन उदास हो सकता है, इसलिए पहले वो सारे काम करें जो ईजी है, जो आपको खुशी दे सकते हैं। इस दौरान ट्रैवल होने की पूरी संभावना है। अपने सामान का और सेहत का पूरा ख्याल आपको रखना चाहिए ट्रैवल के दौरान। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में है, तो साझेदार को प्रसन्न रखने का काम करें, अप्रसन्न करने का कोई काम न करें। मानसिक रोग से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए उसे दूर करने के लिए आप अपने मन को ठीक रखने के लिए खेलकूद, एंटरटेनमेंट का, म्यूजिक का सहारा जरूर ले सकते हैं। सिंह राशि, सूर्य आपकी राशि के लॉर्ड होकर सिक्स हाउस में विराजित रहेंगे। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। विरोधी आप पर हावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा, स्वास्थ्य कमजोर होना, कोई कर्जा लेने की स्थिति बन सकती है। लेकिन नौकरी में पदोन्नति या फिर आप किसी प्रकार का कठिन परिश्रम करने के बाद कुछ चाहत रखते हैं तो यह सिद्धि मिल सकती है। कार्य में अत्यधिक व्यस्तता आपके लिए स्वास्थ्य और मानसिक रूप से बीमार कर सकती है, इसलिए जितनी जरूरत है उतना ही काम करें। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अच्छे परिणाम तो प्राप्त होंगे, लेकिन इसकी भारी कीमत भी आपको चुकानी पड़ सकती है। आपको अपने मातृपक्ष और पिता के साथ संबंध अच्छे करने चाहिए, उनके स्वास्थ्य, उनके साथ मनभेद और मतभेद को हटाना चाहिए और उनकी सहायता से आपको आशीर्वाद मिलेगा और अटका हुआ काम दूर होगा। यदि आप किसी पर कोई मुकदमा करना चाहते हैं, दुश्मनी करना चाहते हैं, तो मैं आपको साफ मना करने की कोशिश करूंगा और सलाह दूंगा, क्योंकि इससे आपको तकलीफ हो सकती है। कन्या राशि, सूर्य ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में विराजित है। यहां जो षडाष्टक दोष है, ये आंखों में और सरदर्द की परेशानी दे सकता है। इस दौरान आपके मन में एक एंग्जाइटी, क्यूरियोसिटी, व्याकुलता बहुत बनी रहेगी। आपको अपने मित्रों से भी दुश्मनी जैसा सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हें बना के रखिए। आप शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जा सकते हैं, दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं, किसी विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता है या इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस दौरान प्रयास करने पर आपको कॉम्पिटिशन में सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त विदेशी संपर्कों से, दूर दराज के लोगों से संपर्क करके मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से आपको धन लाभ, नौकरी प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपको अपने कार्यों में आने वाली रुकावटों का सामना करने की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगी, आत्मबल मिल जाएगा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और साथ में
आपके अंदर एक ऊर्जा आने लग जाएगी जिससे आपको लगेगा कि यस मैं करके दिखा सकता हूं। आपके प्रेम जीवन में, प्रेम प्रसंग में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अहंकार, गलत जुबान, ऐसे कोई काम न करें वरना बनी हुई बाजी को बिगाड़ देंगे। तुला राशि, सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस से विराजित रहेंगे। इस अवधि में आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा। सुख और सुविधाओं पर धन खर्च होगा और जो सुख सुविधाएं उसका लाभ मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ को अस्थमा, हड्डियों की तकलीफ, चलने फिरने में भी कोई तकलीफ आ सकती है, पूरा ख्याल रखें। घर में स्वयं को सबसे ऊपर सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं करें वरना लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस दौरान आप प्रॉपर्टी रेंट पे देना, परिवर्तन करना या फिर अपने भूमि भवन से संबंधित किसी मसले को हल करने की तरफ धन अर्जित करने के योग बन रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो लंबी बीमारी में तब्दील हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी परेशानी को हल्के में लेना, नज़रअंदाज करना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इस दौरान आप अपने घर और परिजनों पर धन खर्च कर सकते हैं। आमदनी में थोड़ी कमी जरूर आएगी लेकिन निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। वृश्चिक राशि, सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में विराजित है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपको अपने प्रयासों के उचित परिणाम भी प्राप्त होंगे। भाई बहनों को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है लेकिन आपके साहस, पराक्रम, चेहरे पर मुस्कुराहट और शब्दों की बेहतर चॉइस आपके काम में वृद्धि करेगी, आपके इज्जत और मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगी। तथा कोई पुराना रोग अगर आपको पहले से चल रहा है तो उसे निजात मिल सकती है और वैसे भी 7:30 ही खत्म होने वाली है। अपनी मित्र मंडली में आपकी प्रशंसा होगी और संतान के माध्यम से लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। इस दौरान अपने कार्य में स्वयं के अलावा अन्य किसी पर भरोसा नहीं करें और ना ही किसी पर निर्भर रहें। आप जहां काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी आपको अपेक्षित सहयोग नहीं देंगे इसलिए उनके प्रति आप सचेत रहें। छोटी दूरी की यात्रा ठीक रहेगी लेकिन लंबी दूरी की यात्रा में दोबारा सोचिए, जरूरी हो तो करनी चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं, जॉब कर रहे हैं तो यात्राओं में लाभ तो मिलेगा लेकिन छोटी दूरी की यात्रा में, लंबी दूरी में सामान और आपकी कोई तकलीफ आ सकती है, ख्याल रखिएगा। धनुराशि, सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे। इस अवधि में आपको अपने जुबान पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा क्योंकि उसमें कर्कशता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। आपके कुटुंब में किसी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है तथा सिर और आंखों में तकलीफ भी बढ़ सकती है। खाने पीने में अच्छे भोजन का और संतुलित भोजन का आहार लेना जरूरी रहेगा। तेल मसाले वाले भोजन, खट्टी, बासी, कल का गरिष्ठ भोजन करने से बचें अन्यथा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इज एवरीथिंग। अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो इस दौरान अपने प्रदर्शन को और अच्छा करें, अपने स्किल को दिखाने की कोशिश करें, तब जाकर लाभ मिलेगा। आप इजी गोइंग, भाग्य के भरोसे रहेंगे तो आपको तकलीफ आ सकती है। पिताजी को उनके कार्य के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मकर राशि, सूर्य 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपकी राशि में विराजित है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि आपको पेट, हड्डी और आंखों से संबंधित कोई तकलीफ, मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है और इस दौरान आपकी मानसिक चिंता भी हल्की सी बढ़ सकती है। इसलिए आप खुद ऐसा कोई काम न करें जिससे ये सब बढ़ जाए। चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए और धीरज, धैर्य और संयम आप रखोगे तो धीरे धीरे परिस्थिति नेगेटिव भी होगी तो पॉजिटिव वापस हो जाएगी। तो अपने आप को आप तैयार करें। आपको कुछ अचानक सामने से कुछ यात्राओं के ऑफर आ सकते हैं तथा कोई भी यात्रा में जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते किसी से झगड़ा हो सकता है इसलिए अपने फ्रस्ट्रेशन को आप दूर करने के लिए खेल कूद, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज का सहारा लीजिए। आपका मन रहस्यमय गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष, आध्यात्म की तरफ आकर्षित होगा। रिसर्च करने की लालसा आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी और कुछ ना कुछ टाइम रिसर्च के लिए जरूर देना चाहिए। धन संबंधित स्थितियां अनुकूल रहेगी और आप ईश्वर आराधना में मन लगाएं तो बेहतर होगा। आपको अपने मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप में, स्टडी में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन सब कुछ ठीक जरूर होगा। कुंभ राशि, सूर्य 7th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में विराजित रहेंगे। इस दौरान आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी से रिश्ते में तनाव हल्का सा बढ़ सकता है तथा उनके स्वास्थ्य भी कमजोर होने की संभावना है। आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होने जा रही है जिस पर आपका नियंत्रण होना जरूरी है वरना
कर्जा भी लेना पड़ सकता है खर्च के लिए, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, इसलिए शॉपिंग सोच समझ के करें। धर्म संबंधित कार्यों पर आप अधिक धन खर्च करें, लेकिन चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रस्ट या एनजीओ में पैसा वेस्ट होने वाला है। हल्की या फुल्की आमदनी आपकी कम हो सकती है, इस दौरान आपको आंखों, हड्डियों का और पेट का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। विदेशी व्यापार, विदेशी जॉब के चांसेस बन रहे हैं, इस पर आपको संपर्क करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए वाकई में शानदार समय, डटकर मुकाबला करें, मेहनत करें। मीन राशि, सूर्य सिक्स हाउस के लॉर्ड होकर इलेवंथ हाउस में विराजित है, इस अवधि में आपके लिए विभिन्न प्रकार के लाभ के मार्ग खुलने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर्स जो आपके बॉस हैं, मंत्री है, ऑफिसर है, आपके पक्ष में रहेंगे और इससे आपको विशेष आर्थिक तथा सामाजिक लाभ मिलने जा रहा है। आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आपको तथा आपकी महत्वाकांक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि, बेहतर ट्रांसफर, बेहतर ओहदे पर भेजने का काम किया जा सकता है, इस पर आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना चाहिए। पुराने समय से अगर कोई सरकारी काम अटके हुए तो पूर्ण होने जा रहे हैं। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, विवाद खत्म होंगे, धन प्राप्ति के माध्यम बढ़ेंगे। इस दौरान समाज में सम्मान मिलना, गणमान्य लोगों से मुलाकात होना, किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति से मुलाकात होना आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए आप ऐसा काम जरूर करें जिससे आपको लाभ मिले। अब देखिए, आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूं। सूर्य जो कि अपने पुत्र शनि के घर में जा रहे हैं, शनि ऑलरेडी 24 तारीख को वहां पर जा रहे हैं, तो 15 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रहेंगे, तो इसमें 24 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक सूर्य और शनि, पिता और पुत्र भी साथ में रहने वाले हैं। तो इन सब कैलकुलेशन को देखते हुए हमने आपको ये राशिफल बताया था कि आपके ऊपर इसका असर कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य को मजबूत करना है तो 10 मिनट सूर्य की धूप में सुबह सुबह बैठ जाएं। दूसरा काम, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, तुलसी के पौधे में वो जल गिरे, आदित्य हृदय स्त्रोत्र या तो पढ़ें, नहीं तो सुबह सुबह से सुन सकते हैं, आप अपने काम करते रहें, लेकिन ध्यान पूरा आदित्य हृदय स्त्रोत्र पर रहेगा तो श्रवण करते जाए बीच बीच में उसे सुनने की कोशिश के साथ साथ बोलने की कोशिश करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पिता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा झगड़ा है, फिर भी आपको पिता से अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए, पिता के चरण स्पर्श करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं पिता के सामने क्यों झुकूं, तो आप पिता की फोटो, पिता के चरणों की फोटो अपने पर्स में रखें, और इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे खुद के ही पिता हैं, लाख गलतियां भी की होगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वर्ल्ड के सबसे बेकार हमारे पिताजी, बहुत सारे गलत गलत कमेंट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो पिता से संबंध सुधारना चाहिए। साथ में बड़े बुजुर्ग जो भी पुरुष हैं उनको आपको कोई डोनेशन देना चाहिए, अनाथ आश्रम है, ओल्ड एज होम है, कुष्ठ रोगी है, हॉस्पिटल है, कोई भी ऐसी ज़रूरतमंद की जगह है वहाँ जाकर डोनेशन दीजिए। अपने हिसाब से घर का कोई सामान आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है जो उनके काम आ सकता है देना चाहिए। वजन के बराबर गेहूं का 2 रविवार कम से कम डोनेशन करना चाहिए, इस टाइम में बहुत पुण्य मिलेगा। साथ में आपकी आंखों की देखभाल करना, हड्डियों की देखभाल करना, अपनी बॉडी का पूरा चेकअप करवाना, उसके अनुसार विटामिन D3 और कैल्शियम की टैबलेट्स लेना या जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। और कोशिश करें कि आप सूर्य देव को पूजने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में पहने, नहीं हो सके तो तांबे की कोई रिंग आप सेकंड लास्ट फिंगर में पहन सकते हैं। और बढ़िया रहेगा कि आप जो कुछ भी करें तांबे की कोई चीज़ को डोनेट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों ने जो ये अमूल्य या फिर आपका जो महत्वपूर्ण समय है वो आपने हमारे इस कार्यक्रम को दिया, इसके लिए शुक्रिया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जो लोग सब्सक्राइबर हैं धन्यवाद, जो सब्सक्राइब करने का फैसला करने वाले हैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। दूसरी बात, जो लोग लाइक करते हैं उनको थैंक यू, जो लोग डिसलाइक करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी मानसिकता को बदला जाए, कमेंट जरूर करेगा। मैं हमेशा कमेंट को पढ़ता जरूर हूं, कुछ कमेंट का जवाब दे पाता हूं, थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम के कारण पूरे नहीं दे पाता हूं, फिर भी कोशिश करता रहता हूं। मैं सूर्यदेव, शनिदेव और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्यारे सभी दर्शकों का खूब ख्याल रखें। इस उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।